लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं हिचहाइक करके कज़ान पहुंचा था, तो आज हम कज़ान की तीन मेन इम्पॉर्टेंट टूरिस्टिक प्लेसेस घूमने वाले हैं। उनमें से फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, वो है टेंपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस एक मॉन्यूमेंट है। तो उसके लिए मैं बस स्टैंड पे जा रहा हूँ और यहाँ पे यार कज़ान में ना कंपैरेटिवली यूक्टेनबर्ग से बिल्कुल अलग टेम्परेचर है। 2.5 घंटा जो है वो टाइम पीछे हो गया है। उसके अलावा टेम्परेचर जो है यहाँ का काफ़ी गर्म है। यूक्टेनबर्ग में काफ़ी बढ़िया मौसम था। यहाँ पे बस स्टैंड पे ना सामने आप देखो तो बस नंबर लिखा हुआ है, जो जो बस यहाँ पे आएगी उसका नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 31 37 47 और 74। आपको जिस बस में जाना है वो बस यहाँ पे आएगी कि नहीं वो यहाँ पे आप देख के कंफर्म कर सकते हो। गूगल मैप पे ना रुपए भी बता देता है कि कितने रुपए लगने हैं आपकी बस जर्नी में। तो मैंने पहले से ही ना मेरे पास बहुत सारे चिल्लड़ इकट्ठे हुए थे, तो मैंने 35 रूबल के जो चिल्लड़ है ना सारे इकट्ठे करके अलग से निकाल लिए जो कि मेरी बस जर्नी में लगने हैं। यहाँ पे आप कहीं पे मास्क लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आपको रोड स्पेसेस पे मास्क लगाना पड़ता है, जैसे कि बस हो गई, ट्रेन हो गई। तो गाइज अब मैं बस से उतर चुका हूँ। सामने जो रिवर है उसको कहते हैं वोल्गा रिवर, और ये जो आपको सामने अब दिखाई देने लगा होगा ये है टेंपल ऑफ ऑल रिलीजन। यार ये जो स्ट्रक्चर है एक रिलीजियस हार्मनी को दिखाने के लिए बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि एक मतलब स्ट्रक्चर के अंदर सारे जो दुनिया के मेजर रिलीजन है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक लोकल आर्टिस्ट ने बनवाना स्टार्ट किया था 1992 से, और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस जगह पे ना अभी भी उस आर्टिस्ट के जो भाई बहन हैं और फैमिली के लोग हैं वो रहते हैं अभी भी इधर। तो हम पीछे की साइड आ गए हैं इधर। देखो आप सुवेनियर्स वगैरह की शॉप है, खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पे, और काफ़ी कलरफुल टाइप का बनाया है। ये देखो आप कैसा मतलब काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर है। जितना भी मैंने रशिया घूमा है उस हिसाब से मैं कहूँ तो आर्किटेक्चर वाइज भाई A1 है, एक नंबर। मतलब कुछ ना कुछ यूनिक आपको हर शहर में मिलेगा। टेंपल ऑफ रिलीजन के जस्ट बाहर यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू इन्होंने बनाया हुआ है, और पीछे आपको मुस्लिम डॉम दिखाई देंगे, मुस्लिम जैसे टॉम होते हैं ना। तो यार अब हो गई है शाम और अब मैं आया हूँ यहाँ पे कज़ान क्रेमलिन घूमने के लिए। कज़ान क्रेमलिन जो है वो कज़ान की सबसे आइकॉनिक साइट है, और इसके बिना आपका कज़ान का ट्रिप अधूरा रहता है। तो रशिया के अंदर ऐसी 22 रिपब्लिक्स हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ या फिर एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, उनको इन्होंने रिपब्लिक में डिवाइड किया है। तो वहाँ पे उनको कुछ स्पेशल परमिशन होती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो वो विद इन एक कंट्री की तरह तो बिहेव नहीं करते, बट एक कंट्री में एक स्पेशल जोन होता है वो। तो वैसे ही एक रिपब्लिक ऑफ तातारिस्तान है और उसकी ये कैपिटल मानी जाती है कज़ान। तो इनकी जो एंसेस्ट्री है मेनली वो मंगोल लोगों से ड्राइव होती है, और ये लोग इस्लाम फॉलो करते हैं। ये जो हम मस्जिद घूमने जा रहे हैं ये यहाँ की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। आपको इस मॉस्क में घुसने के लिए ना कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है। अभी क्या होगी ना, इनमें लाइटें जलेंगी ऊपर पूरा, जैसे जैसे अंधेरा होगा कंट्रास्ट बढ़ेगा वैसे वैसे इस मॉस्क की ब्यूटी बढ़ेगी। अभी मैंने अभी आपसे बात करी और लाइट जल गई, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक पुराना इकलौता एक एंशियंट फोर्ट है जो कि रशिया में बचा है, मतलब एक्चुअल में ये तो ज़्यादातर जो पुराने फोर्ट थे वो डिमोलिश हो चुके थे सोवियत टाइम में। 1918 में जो लास्ट एम्परर थे निकोलस द सेकंड, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था और यूक्टेनबर्ग में उनको दफना दिया गया था। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में अगर यूक्टेनबर्ग वाला व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने दिखाया था उस जगह को जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था। तो उसके बाद सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ था, और सोवियत यूनियन फॉर्म होने के बाद बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें थी फोर्ट वगैरह थे वो डिमोलिश हो चुके थे। उसके बाद 1992 में सोवियत यूनियन के फॉल के बाद इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो दोबारा से शुरू हुई और इस मस्जिद को बनाना स्टार्ट हुआ, और 2005 में जाके ये मस्जिद कंप्लीट हुई। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये मस्जिद है इसको तो कज़ान फोर्ट्रेस के नाम से यानी फिर कज़ान क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है, और जो ये मस्जिद है इसका नाम है कुल शरीफ मस्जिद। देखो अभी हमको मैं जहाँ पे लेके जाने वाला हूँ एक व्यू पॉइंट आएगा, और उस व्यू पॉइंट पे हमें पूरा सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखने वाला है।
और अब हम जाने वाले हैं आज की तीसरी जगह जिसका नाम है बोमन स्ट्रीट। ज्यादातर जो रशियन बड़ी सिटी है उनमें कोई ना कोई स्ट्रीट होती है जिसमें लोग परफॉर्म करते हैं, आर्टिस्ट वगैरह, थोड़ा मतलब घूमने फिरने के लिए मस्त एकदम जगह है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो क्रेमलिन जहाँ से अभी हम आए हैं, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये स्ट्रीट है। छोटा सा बच्चा है, स्वैग देखो इसका। एक दिन कजान में बिताने के बाद अब फाइनली मॉस्को में वापस जाने का समय आ गया है। 2 दिन में मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, इस चक्कर में मुझे ट्रेन लेनी पड़ गई यार। पहले मेरा प्लान था कि मैं हिचाइक करके जाऊँ, लेकिन सुबह मैं लेट हो गया सो के उठने में। भाई बड़े पंगे होते हैं जब आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रेन की टिकट जो थी वो 3rd क्लास की तो पूरी बुक थी, और 2nd क्लास की जो ना टिकट सुबह 4-4.5 हज़ार रुपये करीब दिखा रही थी। फिर मैंने ना ब्लाबला कार वगैरह ढूंढनी स्टार्ट की। ब्लाबला कार आपको तो पता ही होगी ना, वो इंडिया में भी चलती है, तो उसमें राइड शेयरिंग ऐप है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई कहीं पे जा रहा होता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो थोड़े से पैसे लेते हैं। वो एक सबसे चीपेस्ट ऑप्शन दिख रहा था मेरे को, 600-800 रुपए में भी मेरे को वो कजान से ना मॉस्को तक छोड़ देते हैं। मैंने 2-3 लोगों को भेजा, एक आंटी को तो भेजा, सब कन्फर्म कर ली राइड। थोड़ी देर बाद देखा मैसेज ही गया, अकाउंट डिलीट। तो है ना दूसरी फिर राइड एक करी, दूसरी राइड वाली बोलती है कि एक काम करो तुम मेरे अकाउंट में पहले पैसे भेज दो और फिर मैं आती हूँ। कटवाने से अच्छा है मैं 500-600 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मजबूरी थी मेरी, मैंने टिकट ले ली और अब मैं जाना हूँ रेलवे स्टेशन की साइड, और फिर मैं आपको एक फ़नी स्टोरी भी बताऊँगा। और गाइज अब मैं स्टेशन पहुँच गया हूँ, करीब 1 घंटे में मेरी ट्रेन है, अब अंदर चलते हैं। पहली बार रशिया में एक 2nd क्लास टिकट पे एक डबल डेकर ट्रेन में यात्रा करने वाला हूँ, देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो बाकी मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला था, पहले जो आवाज़ है वो शांत हो जाए। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मेरी जो सीट थी ना वो थी साइड अपर सीट, और मेरी साइड अपर सीट के जस्ट नीचे वाली सीट पे एक आंटी की सीट थी। अब उन्हें इंग्लिश नहीं आती और मुझे रशियन नहीं आती, तो हमारी कोई बातचीत तो हो नहीं पा रही थी खास। तो नंबोसी मेरे स्टेशन जैसे ट्रेन रुकने वाली थी मैं उतरा और मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा था, तो मैं 15-20 मिनट टॉयलेट में रहा, और जैसे ही मैं अपनी सीट के साइड ही आना तो यार रशिया में क्या होता है कि जैसे आपने फ़्लाइट में एयर होस्टेस वगैरह देखी होंगी, वैसे यहाँ पे हेल्पर टाइप की होस्टेसेस रहती हैं। तो मेरे को ऊपर कुछ रशियन में बोलने लगी है, मेरे को समझ नहीं आया कि पता नहीं क्यों बोल रहा। मैं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठ गया हूँ इसलिए गुस्सा हो गया हूँ। मैंने ट्रांसलेटर उठाया, मैंने कहा हाँ इसमें बताओ क्या, तो वो कहते हैं कि तुम्हें नीचे नहीं उतरना चाहिए था। मैं टॉयलेट में गया और 15-20 मिनट मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा लगा दिए, तो इन्हें लगा कि मैं नीचे उतर गया, और जो आंटी थी ना वो परेशान हो गई। उन्होंने एयर होस्टेस करो, उन्होंने होस्टेसेस वगैरह को बताया कि भाई वो लड़का ऐसे उतर गया है लग रहा है मुझे। तो भाई इस तरीके से एक फ़नी स्टोरी हुई, और मैं जब बताया कि मैं टॉयलेट गया तो सवारे के सारे हंसने लगे, अरे भाई फलजी बवाल मचा दिया, लड़का टॉयलेट करने गया, तुमने कहा लड़का छूट गया लौंडा छूट गया हमारा। तो इस तरीके से यार बड़ा कॉमेडी सीन हो गया। पासपोर्ट निकाल लिया है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे क्या कि पहले पासपोर्ट चेक करते हैं, फिर टिकट चेक करते हैं, फिर एंट्री देते हैं, ऐसे बोर्डिंग होती है। सर ये तो लोअर वाला डिब्बा है, ये देखो इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और मेरा है ऊपर जाके, और यहाँ पे है टॉयलेट 2nd क्लास 108 नंबर। ये कंपार्टमेंट टाइप का है, वैसे बाकी सब सेम है, बस ये एक आपको गेट मिल गया है और एक पूरा अपना एक कैबिन मिल गया है, उसके अंदर 4 सीट्स हैं। तो अगर आप फैमिली वाले हो तो एक प्राइवेसी वाला इसमें एक एडवांटेज है, लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो मतलब नॉर्मल ही है, कुछ अलग नहीं है। सीट्स भी वैसे ही लग रही हैं, बस जैसे 3rd क्लास में होता है कि गद्दे ऊपर से रखे होते हैं, इसमें क्या है कि गद्दा अंदर की साइड है, समझ रहे हो आप, उतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली बोलूँ तो। और अब टाइम आ गया आपको 2nd स्टोरी बताने का।
ये क्या हुआ भाई, अपने आप ऊपर उठ रही है सीट्स, क्या ड्रामा है। खैर ये वाली ना उठ जाए, मैं पता चला ऐसे हो गया थेड़ा, दोनों सीट के बीच पीछे जाके घुस गया। हाँ तो सेकंड स्टोरी का टाइम आ गया। देखो आपको पता है कि मैं बैकाल घूमने गया था, तो मैं इरकुत्स्क में था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक हॉस्टल में रुका था इरकुत्स्क में, तो वहाँ पे एक बड़ा एक फ़नी सा बंदा था रशियन, तो मेरे से पूछता है कहाँ कहाँ घूम के आया, तो मैंने कहा इरकुत्स्क लिस्बियन का। कहता है हंसने लगा, बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगा। कहता है कहाँ, मैंने कहा लिस्बियन का। फिर हंसने लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गया क्या हो गया। कहता लिस्टबियन का, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा गलत स्पेलिंग पे इतना क्या हंसना, मतलब ठीक है नॉर्मल, थोड़ा सा गलत बोल दिया। उसके बाद ऐसे ट्रेन में मेरे को ना एक और आंटी मिली, मैं जिनकी स्टोरी बताई थी आपको, उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ घूम गया। मेरा सेम रिप्लाई भाई, मैंने कहा बेका लिस्बियन का। वो भी हंसने लगी। फिर जब मैं अपने होस्ट के यहाँ गया, आपको याद होगा जो कि क्रास्नोयार्स में जिन्होंने मुझे होस्ट किया था, उन्होंने भी मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा, वो भी हंस हंस के पागल। मैंने कहा भाई ऐसा क्या चक्कर है, मतलब गर्ल स्पेलिंग पे इतना क्यों हंस रहे हैं लोग, मैंने कौन सी फनी बात बोल दी। तब मैंने उनसे पूछा कि यार मैं जिसको भी बताता हूँ वो हंसने लगता है यार, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को कोई रीज़न नहीं बताता कि क्यों। ठीक है गलत स्पेलिंग बोली। कहते भाई लिस्बियन का रशियन में लेस्बियन होता है। मैंने कहा अरे भाई साहब, तब मैं थोड़ा सा शौक हुआ। То бас лесбиянка, автобус. Я не знаю, не местный сам прикинь. Ну пойдем искать что-нибудь. Лесбиянка? Не лесбиянка, лесбиянка. Лесбиянка. Да.